लोग जागरूक नहीं हुए ना तो द केरला स्टोरी को द इंडिया स्टोरी बनने में टाइम नहीं लगे। कन्वर्जन एग्जिस्ट करता है, लफ्जियात एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ें ये समाज के अंदर मिथ बोल दी जाती है ना, मिथ नहीं है, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अभी हम जो द केरला स्टोरी मूवी है उसको देखकर है, और मूवी देखने के बाद हमें पता चला कि अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए ना तो द केरला स्टोरी को द इंडिया स्टोरी बनने में टाइम नहीं लगेगा। मूवी के अंदर एक एक स्टेप पर बताया गया है कि कन्वर्जन क्या होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है। प्यार आपको किसी और से करवाया जाएगा, शादी किसी और से करवा देंगे, बोला ये बोला जाएगा कि यहाँ भेज रहे हैं, भेज कहीं और देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने एक एक फैक्ट को रखा है, एक एक चीज़ को रखा है, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, क्या मूवी बनाई है, एक नंबर। ये मूवी टैक्स फ्री कर देनी चाहिए सरकार को, मेरी विनती है उनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि कन्वर्जन एग्जिस्ट करता है, लफ्जियात एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ें ये समाज के अंदर मिथ बोल दी जाती है ना, मिथ नहीं है, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ये सब चीज़ें आपको भी समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं कोई मूवी का स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मूवी के अंदर एक बात बहुत अच्छी की गई थी एक लड़की के द्वारा कि हम कन्वर्ट हो गए, हमारी गलती है, लेकिन पापा आपकी भी गलती है कि आपने अपने धर्म के बारे में हमें बताया ही नहीं। और उसी उसके कॉन्टेक्स्ट में ही मूवी के अंदर एक लड़की होती है, वो कन्वर्ट होने से बच जाती है, क्यों, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में पता होता है, तो अपने धर्म को भी जानिए, पहचानिए, और ये मूवी देखने जरूर आई।